अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूए वेब डेवलपर। फ्रेंड्स, आज हमारा HTML का 10th लेक्चर है, जिसमें आपको ये पांच टैग्स पढ़ाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। तो ये प्रोग्रेस और मीटर, ये हम बूटस्ट्रैप में भी कर सकते हैं, मगर HTML के टैग्स हैं तो करवाना बनता है, इसलिए करवा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। सबसे पहले हमारे पास आज का टैग जो है वो है प्रोग्रेस। दोस्तों, प्रोग्रेस में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, मतलब तीन एट्रीब्यूट्स, वैल्यू, मैक्स और मीन। मीन हम यूज़ नहीं करते होते, मीन यूज़ नहीं करते होते, वैल्यू और मैक्स यूज़ करते हैं। देखें, इतना अभी प्रोग्रेस है, इतना करने से हमारे पास क्या होगा, देखें प्रोग्रेस मीन, ये एक हमारे पास लाइन सी आ गई है, प्रोग्रेस बार जिसको कहते हैं। अभी हम इसमें वैल्यू किस तरह से ऐड करेंगे, देखें 100, सॉरी 10 100, सेव करते हैं और इसको करते हैं रीलोड। वो 100 में से 10 ले आएगा। यहाँ पे हमने लिखनी है मैक्सिमम वैल्यू, जो टोटल वैल्यू होगी, और जो वैल्यू हमने लेके यानी सिलेक्टेड वैल्यू वो होगी प्रोग्रेस की 10। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टैग है वो है मीटर। मीटर देखें, जिस तरह से हमने प्रोग्रेस किया है इसको, ठीक हो गया, मीटर ने भी सेम टू सेम यही काम करना है। देखें, वैल्यू इसमें 20 50 लेके आते चले, और मैक्सिमम कितनी होगी 100, हम जितनी मर्जी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये होगी उसके मुकाबले में तकरीबन हाफ होगी, मीन के वो इससे डबल होती है और ये इतनी छोटी होती है। ठीक है, इसकी कलर जो है वो दोनों का हम चेंज कर सकते हैं CSS में, तो ये भी चेंज हो सकते हैं CSS में। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आता है वो है डिटेल्स। दोस्तों, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है वेब पेज पे, और हम सॉरी यहाँ पे हमारे नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में या एडिटर किसी भी में, हम उसको वेब पेज पे चाह रहे हैं कि उसको एक बटन को क्लिक करने पर बाद में नीचे वो ओपन हो सारा, वैसे थोड़ा सा जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पैराग्राफ लिखते हैं एक रैंडमली, ये पैराग्राफ लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं लोरम इप्सम। ठीक है, ये पैराग्राफ लिख लेता है एक, सेव किया। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया एक पैराग्राफ। ठीक है, हम जा रहे हैं कि हम सिर्फ इतना चाहिए, बाकी हम हाइड कर दें जितना हमें चाहिए। अगर हम यहाँ कह रहे हैं इतना, उसके बाद हाइड कर दें, डिटेल्स का टैग लगाएं। डिटेल्स के टैग ने क्या करना है, किसको इस तरह से कर देना है। देखें, ये सारा आ रहा है हमारे पास, वो नेक्स्ट जो है वो डिटेल के टैग में, इसको क्लिक करेंगे तो सारा ओपन होगा। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है UL और LI। दोस्तों, UL जो है वो अनऑर्डर लिस्ट, और LI मीन लिस्ट। ठीक है, देखें, वेबसाइट में हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं या पॉइंट्स देकर कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरह से लिखेंगे UL। ठीक है, UL इस तरह से आ जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा अनऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट क्या, सॉरी लिस्ट क्या होगी, लिस्ट होगी ये। ये हमारे पास होगी लिस्ट, ये प्रॉपर एक जिस तरह से कहते हैं ना कि एक पॉइंट लगा होगा, पॉइंट्स अगर देना चाह रहे हैं हम अलग अलग से, तो इस तरह से लिस्ट का पॉइंट देते हैं। ठीक है, आज का हमारा ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल छोटा सा। तो अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें,
अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स आएंगे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होंगे मगर इंटरेस्टिंग होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आएंगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखें, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करें, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।